हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि यूएस इलेक्शन आने वाला है और यूएस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। क्या शायद ट्रंप हार जाए? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिंपल है कि ट्रंप के कारण जो वॉलिटिलिटी आती है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो जाती है। मतलब आपने सोचा कि अब तो मार्केट सेफ है, अब तो ऊपर ही जाना है, और सडनली ट्रंप ही ऐसा कुछ न्यूज़ क्रिएट कर देगा कि मार्केट गिर जाएगा। अब इतने सारे रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना बहुत, मतलब ऐसा है कि आपको आप सो नहीं सकते। अगर आपने पोजीशन कल के लिए ले रखी, आप सो नहीं सकते ट्रंप के राज में, ये हालत है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इक्विटीज़ को बहुत बेनिफिट हुआ है, और आगे भी चल के उम्मीद ये है कि अगर 4 साल के लिए ट्रंप आ जाता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाने वाले हैं। और S&P जो US का बहुत बड़ा इंडेक्स है, करंटली 3300-3400 के आसपास है, उसकी उम्मीद है कि ये यहाँ से ऑलमोस्ट 20% ऊपर जा सकता है अगर ट्रंप वापस आ गया। क्योंकि ट्रंप का एक बहुत बड़ा फोकस रहता है हमेशा स्टॉक मार्केट रिलेटेड इवेंट्स और न्यूज़ और ऐसी पॉलिसीज लाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा जो अभी डाला है पिछले कुछ महीनों में वो है US फेडरल। तो US जो फेड है, जो वहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह वहाँ पे है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब अनलिमिटेड QE टाइप का इंट कर रहा है, अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर रहा है, लोगों को लोन दे रहा है, लोगों को बायबैक करने को बोल रहा है, और बायबैक करेंगे तो शेयर प्राइस उठेंगे। तो इस तरीके से जब अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग करेंगे तो अल्टीमेटली अगर बॉन्ड में पैसा जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इक्विटी में इंपैक्ट करता है। और इक्विटी में जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा मूवमेंट आया, इतना ज़्यादा बाउंस आया नैसडैक में, जो वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स है, उसका सबसे बड़ा सोर्स था ट्रंप, और ट्रंप का जो पुश करना US फेड के जो चेयरमैन है जेरेमी पावेल, उसको कितनी बार इसने धमकी दी है कि मैं फायर कर दूंगा, मतलब डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। अगर आपको याद नहीं होगा तो ट्रंप ने एक बार जब कशोगी किलिंग का इशू चल रहा था तो ट्रंप ने पूरी बात ढक दी, क्योंकि उसके कारण ऐसा लग रहा था कि अमेरिका बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया और जो ये मिडिल ईस्ट के जो ये कार्टल चल रहा है ऑयल का, इसके अगेंस्ट। तो वो उसने बैकआउट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि यार ऑयल प्राइस में बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। ऑयल प्राइस बहुत हाई भी नहीं जाना चाहते ये लोग, और बहुत लो भी नहीं जाना चाहिए। इनको चाहिए $50 से $60 के आसपास। अभी राइट नाउ ये $40 से भी नीचे चल रहा है। तो आप देखेंगे एक चीज कि उसका अगर 3 दिन ट्रंप ने कोई एक्शन लिया, सपोज ट्रंप ने बोला कि हम चाइना पे टैरिफ डाल देंगे और अचानक से 3 दिन मार्केट गिर गया, तो ट्रंप पूरा अपनी बात ही बदल देता है, बोलता है नहीं 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 मैं टैरिफ नहीं करूंगा, मेरी बात अच्छे से चल रही है। तो ट्रंप का एक बहुत बड़ा रोल है स्टॉक मार्केट में। ट्रंप की प्रेसिडेंसी अगर अगले 4 साल चलती है तो इक्विटी मार्केट्स में डेफिनेटली इंटरेस्ट बना रहेगा। मैंने बहुत बार बोला है वीडियोस में कि एक ट्रंप का प्रीमियम फैक्टर है इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में, और ये जो प्रीमियम है मेरे हिसाब से 10-15% तो है, एवरेज बोल रहा हूँ। और US मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर में एटलीस्ट 20% इसका मार्जिन है। मतलब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है US का, वो हाई से 20% नीचे आ सकता है इन केस अगर ट्रंप ना जीता। तो मैं अभी इस वीडियो में ट्रंप के होने से और ट्रंप के ना होने से क्या निगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, उसकी बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको कई पॉइंट्स बता दिए हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रंप अगर नहीं आता है तो रिस्क क्या है। अगर ट्रंप नहीं आता है तो ट्रंप का जो फोकस था कि चीज़ें स्टॉक मार्केट से डिफाइन होती हैं, इकोनॉमी ऊपर जा रही है स्टॉक मार्केट से डिफाइन होता है, वहाँ पे 401k है, लोगों की जो सेविंग्स होती हैं वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होती हैं, तो वो सभी चीज़ें ये कनेक्ट करता था कि इकोनॉमी मीन्स स्टॉक मार्केट, और उसके हिसाब से बिजनेस चलते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, 40 साल से कर रहे हैं, तो आपको हर पल्स पता है मार्केट की, कि मार्केट किस चीज़ से ऊपर जाएगा। और उसने वही किया, पूरा ऐसा इकोसिस्टम बना दिया कि जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उससे मार्केट में किसी न किसी चीज़ को फायदा ही होता है। अब आप ये मान लीजिए कि ऑयल जो सेक्टर है, ऑयल सेक्टर में अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइट नाउ वर्ल्ड में। आप बोलेंगे कि क्या मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा तेल होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो होता है अमेरिका में। तो इसमें लीडरशिप होने के कारण इनकी गुंडई चल रही है, मतलब दादागिरी चल रही है, और वो प्राइस डिसाइड कर सकता है। अगर ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है ये बोलेंगे हम तो प्राइस गिराने के लिए हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, या बोलेंगे कि नहीं हमें प्रोडक्शन कट करना है ताकि प्राइस ऊपर जाएं, अमेरिका अपने एक डिसीजन से उनके पूरे सिस्टम को पलट सकता है। अमेरिका बोल देगा हम ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे ताकि प्राइस कम हो जाए। अमेरिका बोलेगा हम प्राइस कट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कट कर रहे हैं ताकि प्राइस ऊपर चला जाए। तो ये पावर जो है, और इसको ओपनली मैनिपुलेट किया है ट्रंप ने अपने 4 साल में। और आपने देखा होगा ऑयल प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हुए, लेकिन अभी कहाँ है 40 पे, ना नीचे जा रहे ना ऊपर जा रहे, और ये कंट्रोल जो है ट्रंप के कारण है। और इसके कारण बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रंप करता है जिसके कारण स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होता है, और इमर्जिंग मार्केट में भी आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट में जो इतना बड़ा बूस्ट आया, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? फॉरेन मनी, बाहर का पैसा बहुत आया। और बाहर का पैसा क्यों आया? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न था डॉलर। तो ट्रंप ने डॉलर को नीचे रखा,
डॉलर का प्राइस ऑलमोस्ट 92-93 के आसपास है और ये डॉलर 97-98 होता था और एक उम्मीद थी कि ये 100 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ट्रंप ने सडनली ऐसी पॉलिसीज ली, मतलब ट्रेजरी जो उनके सेक्रेटरी हैं म्यूनिचन, तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसी ली कि डॉलर को इन लोगों ने इतना कंट्रोल कर लिया कि डॉलर अभी डाउन है 92-93 पे और लग रहा है कि रिस्क आते हुए भी डॉलर को ये लोग कंट्रोल करेंगे। तो इतना बड़ा कंट्रोल जो ये कर रहे हैं ये एक बहुत पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए, शॉर्ट टर्म इक्विटी के लिए। और इन केस अगर ट्रंप सरप्राइज विन होता है तो मुझे उम्मीद है जहां भी होगा ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट होगा या फिर आपका यूएस मार्केट या जो भी है, वहां से वो सडनली एटलीस्ट 10-15% की रैली आनी चाहिए। ये मेरा एस्टिमेट है अगर सरप्राइज विन होता है ट्रंप का, 10-15% की रैली विद इन मे बी 1 वीक और 2 वीक्स आएगी ग्लोबल इक्विटीज में, ये मार्क आप कर लीजिए। लेकिन अभी मार्केट गिर रहा है क्योंकि उसको उम्मीद है कि ट्रंप शायद एक सरप्राइज विन दे सकता है, इसलिए ज्यादा नहीं गिर रहा है। लेकिन अगर ट्रंप वो सरप्राइज विन नहीं दे पाता है तो डेफिनेटली बाइडन जीतेगा और बाइडन के जीतने में जो नेगेटिविटी है वो कहां पे आने वाली है, अब मैं उसकी बात करता हूं। तो मैंने पहले बात कर ली कि ट्रंप के जीतने से क्या होगा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बाइडन जीतता है तो क्या होगा। तो बाइडन का जो मेजर फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, क्लाइमेट कंट्रोल पे है, क्लीन एयर पे है, इन सब चीजों पे है। और इसके लिए क्या है, क्रूड ऑयल को नीचे दबाया जाएगा। तो बाइडन के आने से क्रूड ऑयल में इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रंप्स पॉलिसी, बिकॉज ऑफ ओपेक जो काम कर रहा है, जो आपके कार्टल है ओपेक का, जो मिडिल ईस्ट नेशंस हैं वो जो कर रहे हैं। लेकिन बाइडन के आने से सबसे पहला जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी चाइना के रिलेशन में। और चाइना में नहीं कह रहा कि बहुत सॉफ्ट होंगे ये लोग, चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो ट्रंप के हारने से ऊपर जाएगा। और यही चीज़ आप देख रहे हैं कि एशिया में पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट जो अपने एशिया के हैं वो नहीं गिर रहे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि ट्रंप की जीत की उम्मीद कम है, क्योंकि ट्रंप आते फिर वो ये टैरिफ करेगा, चाइना से बदला लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये एक बहुत बड़ा निगेटिव ओवरहैंग था जो कि बाइडन के जीतने से हट जाएगा। तो एशियन इक्विटीज़ में चाइना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब निगेटिव किधर है, निगेटिव है यहाँ पे कि अगर बाइडन आता है तो यूएस से बहुत पैसा बाहर जाएगा और सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा आपका टेक्नोलॉजी कंपनीज से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, क्योंकि यूएस में एंटी ट्रस्ट को लेकर काफ़ी रेगुलेशन पे विवाद चल रहा है, डिस्कशंस चल रहे हैं और ये टाइट करने पे लगे हुए हैं कि ये जो फेसबुक और ट्विटर और ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, यूट्यूब, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही हैं, ये इतनी पावरफुल होती जा रही हैं कि ये आपके पूरे मतलब राजनीति को बदल सकती हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो यूएस इसको रिस्क देखता है, यूरोप में भी यही केसेस चल रहे हैं, इंडिया में पता नहीं क्या है। अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें एक और चीज़ क्या हो सकती है कि जो टैक्सेशन है, ट्रंप को याद होगा आपको यूएस स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर गया, ट्रंप के आने के पहले ये उम्मीद थी कि मार्केट क्रैश होगा क्योंकि ट्रंप मार्केट के लिए खराब है। लेकिन सबको पता था कि ट्रंप तो मार्केट का आदमी है, तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया, पहले मार्केट लोअर सर्किट गया, फिर वहां लोअर सर्किट से अपर सर्किट गया, सोचो -5% से +4% गया एक ही दिन में, तो 9% का फ्लक्चुएशन एक दिन में आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ट्रंप के आने पे तो 10-15% कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में रैली आ जाए, लेकिन ट्रंप के हारने पे क्या होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो बाइडन ने ओपनली बोला है कि वो टैक्स रेट, जो कॉर्पोरेट टैक्स कट ट्रंप ने किया था 2017 में 28% को 21% किया था, ट्रंप उसको 21 को 15 करना चाहता है कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा तो मैं उसको 15 कर दूंगा, जो कि बहुत पॉजिटिव है कॉर्पोरेट अमेरिका के लिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। लेकिन जो बाइडन ने क्या बोला है, मैं इस 21 को 28 करूंगा, मतलब जो अच्छा होना है वो तो उम्मीद नहीं है और बुरा हो सकता है, और जो रईस लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उन पर टैक्स ज्यादा होगा। तो जो बाइडन का क्या जो साइकोलॉजी है और क्या थॉट प्रोसेस है उनकी पार्टी का, वो ये है कि 10% अमेरिकन 84% स्टॉक मार्केट में होल्ड करते हैं, 10% अमेरिकन 84% होल्ड करते हैं स्टॉक मार्केट का पैसा। तो मैं 10% वालों की चिंता नहीं करता, मुझे चिंता है 90% की, ठीक है। तो ये 90% के हिसाब से जो पॉलिसी बन रही है ये स्टॉक मार्केट के लिए प्रो नहीं है, ये उसके लिए थोड़ी सी निगेटिव है, स्केप्टिसिज्म बढ़ जाएगा कि यार ये बंदा हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि अगर जो बाइडन आता है तो मार्केट में हम देख सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली 5-10% का फॉल आ सकता है, अगर रिजल्ट वेडनसडे को, जो गुरुवार आने वाला है अगला, वेडनसडे मतलब ट्यूसडे को रात में रिजल्ट आएगा, वोटिंग होगी, रिजल्ट जो आएगा आधी रात को आएगा, मतलब हमारे अर्ली मॉर्निंग वेडनसडे को आएगा। अगर कुछ वहाँ पे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ का रिजल्ट लगा कि यार, क्योंकि वो डिसाइसिव काफ़ी बड़े रिजल्ट्स हैं, वहाँ पे जो पोलिंग का जो ट्रेंड चलेगा उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा, पूरा रिजल्ट वेडनसडे को नहीं आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे तक में आएगा,
या वेडनेसडे रात तक में आएगा, लेकिन वेडनेसडे रात तक में, थर्सडे तक में शायद चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मार्केट वेडनेसडे को एक डिसाइसिव मूव दे देगा, नहीं, क्या वेडनेसडे को प्रेसिडेंट की कौन प्रेसिडेंट है ये एकदम क्लियर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, क्योंकि 65% वोट जो है बैलेट से गए हैं और 65% वोट की काउंटिंग भी कुछ हद तक हो जाएगी, लेकिन पूरी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, लेकिन एक ट्रेंड क्लियर हो जाता है, लेकिन ट्रेंड पलट सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैलेट में जो हैं पोस्टल बैलेट वाले वोट्स हैं वो काउंट होते होते हो सकता है हफ्ते भर भी लग जाए। दूसरी चीज़ ये बन रही है रिस्क, अगर जो बाइडन हारा, जो बाइडन जीता, ट्रंप हारा, तो ट्रंप बोल देगा मैं नहीं मान रहा इसको, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और अगर ये भी होता है तो ये भी एक नेगेटिव है। तो इनडिसाइसिवनेस और जो रिजल्ट को ना मानना, उसको लेकर कोर्ट में जाना, ये नेगेटिव है। तो जो बाइडेन के जीतने के चांसेस हैं, जो कि नेगेटिव है, ट्रंप हार के भी हार ना मानना नेगेटिव है, ट्रंप का जीतना पॉजिटिव है। तो हमारे पास एक सिनेरियो है कि अगर ट्रंप जीतता है तो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी रैली देगा, 5-15% विद इन ए वीक और 10 days में आ सकता है। दूसरी चीज़ है अगर हारा तो जो बाइडेन के आने से कितना निगेटिव हो सकता है, 5-7% और गिर सकता है यहाँ से। और करेंटली डाउ जोन्स 26,400 के आसपास है, 24,500 तक जाके ये बेस बना लेगा। ये ओवरऑल पिक्चर बन रही है। और मेरे हिसाब से एक और बड़ा इशू हो रहा है कि जो सेकेंड वेव है यूरोप में, उसके कारण लॉकडाउन्स हो रहे हैं, और एक्चुअली US में भी सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है, 1 lakh केसेस हैं। अब इमीडिएटली इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। अब ट्रंप अभी रहेगा प्रेसिडेंट, तो ट्रंप करेगा नहीं करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रेशर माउंट होने लगेगा कि यार अब तो लॉकडाउन कर दो, या फिर एक हफ्ते का कर दो, या 10 days का कर दो, थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करो, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स अमेरिका में अभी भी हाई है। यूरोप में नंबर ऑफ डेथ्स धीरे धीरे बढ़ रही है, नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड पे चल रहे हैं, हर कंट्री में आप जाइए, UK में जाइए, इटली में जाइए, फ्रांस में जाइए, हर जगह रिकॉर्ड में चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कोरोना ही सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुए और जाके ऑलमोस्ट 30% गिरे। तो हम 30% नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और उस 30% का अगर हम 15% आधा गिवअप भी कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और प्लस जो बाइडन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को बहुत सॉफ्ट और बहुत स्टेबल नहीं रखेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रंप की विक्ट्री पॉजिटिव है, जो बाइडन की विक्ट्री नेगेटिव है। अगर जो बाइडन की विक्ट्री क्लियर नहीं आती है, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं आती है, तो ट्रंप के जो नाटक होंगे वो ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये सभी सिनेरियोज मुझे बताने थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगले 2-3 दिन हैं, और जो ये गेम प्लान मैंने बताया है निफ्टी के लिए, मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, अभी मैंने ग्लोबल ज़्यादा बात कर ली, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो हम गिरेंगे, ग्लोबल मार्केट उठेंगे तो हम उठेंगे, ये सिंपल केस है। लेकिन अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट और गिरे तो निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि निफ्टी ने अभी तक फॉल नहीं दिया है। तो मेरा जो बेस केस है, अगर ट्रंप जीतता है हम दोबारा 12,000-12,100 जाएंगे, अगर ट्रंप हार जाता है और जो बाइडन जीतता है क्लियर मेजॉरिटी से, US मार्केट गिरेंगे, हम भी 10,800 तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में 6-7% का फॉल। दूसरी चीज़ है, अगर ट्रंप का नाटक और जो बाइडन का नाटक कोर्ट में चालू हो गया तो ग्लोबल इक्विटीज़ कुछ ज़्यादा गिर सकती है, उस केस में हम 10,600 तक भी गिर सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज़ हैं स्टॉक मार्केट में, अपने इंडिया स्टॉक मार्केट के बारे में। दूसरी चीज़ है, बैंक्स में इतनी वीकनेस नहीं होगी, निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस होगी, निफ्टी के कॉम्पोनेंट ज़्यादा गिरेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियोज़ हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।